यहां पर है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अगला टॉपिक जो है हमारा 1947 के बाद से जो इंडियन पार्लियामेंट है वो हमारा एक तरीके से एक्सप्रेशन माना जाता है उस फेथ का, उस बिलीफ का जो लोगों की है, हमारे भारतीय नागरिकों की है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, उसके अंदर जो भी हमारे लोग हैं उनके प्रति एक कहीं ना कहीं विश्वास है, उसका दर्शाने की कौन सी जगह है हमारी इंडियन पार्लियामेंट। यहाँ पर लोगों का हिस्सेदारी होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए भी उनकी सहमति से, मतलब यहाँ जो भी प्रक्रियाएं होती है डिसीजन लेने की, गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसमें कहीं ना कहीं सहमति लोगों की होती है। जो पार्लियामेंट है हमारे सिस्टम में उसके पास बहुत सारी पावर्स होती है, क्योंकि ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का। इलेक्शंस जो भी पार्लियामेंट से संबंधित होते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होते हैं। लोकसभा जो है वो एक बार में 5 साल के लिए चुनी जाती है। कंट्री जो है वो कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है, जैसा अभी आप आगे देखेंगे पेज नंबर 41 पे दिया हुआ है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अपना एक पर्सन चुनती है पार्लियामेंट के। अब ये जो कैंडिडेट इलेक्शंस लड़ रहे हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। यहां पर आपको एक टेबल दी है, आप इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली 17th लोकसभा इलेक्शंस 2019 के रिजल्ट्स हैं। एक तरफ सारे नाम दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और दूसरी तरफ कितने एमपीज चुन के आए उनके। आपको क्या करना है, ये जो टेबल दी है इसको देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने। सबसे पहले गवर्नमेंट कौन बनाएगा और क्यों। अब हम ये जानते हैं ना, जो पार्टी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके आती है, जीतती है, उसी को गवर्नमेंट बनाने का अधिकार होता है। यहाँ पर अभी हम देखें तो सबसे ज्यादा सीट्स किसकी आई है, बीजेपी की, जो कि है 303। तो सबसे पहले ऑफर किसको मिलेगा गवर्नमेंट बनाने का, भारतीय जनता पार्टी को। कौन प्रेजेंट होगा डिस्कशंस के लिए लोकसभा के अंदर, और क्या ये प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने क्लास 7th में पढ़ा था। ये जो चीजें हैं ये आपको इसके अंदर खुद सॉल्व करनी है, क्योंकि इसको आप जब खुद देखेंगे तो आप ज्यादा बेटर तरीके से रिकॉल भी कर पाएंगे और आंसर्स को सॉल्व भी कर पाएंगे। बेसिकली ये समझाने के लिए बताई गई है। जो फोटोग्राफ है पेज नंबर 28 पे वो एक तरीके से रिजल्ट बता रही है 3rd लोकसभा इलेक्शंस का, जो कि 1962 में हुए थे। यहां आप देख सकते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स फॉर लोकसभा, ये आपको पूरी की पूरी एक इमेज दी हुई है जिसमें इलेक्शन रिजल्ट्स दिए गए हैं लोकसभा में जो है 1962 में जिस तरीके से इलेक्शंस हुए थे और क्या रिजल्ट रहा। तो अब उस फोटो को देखते हुए आपको ये बताना है किस स्टेट के हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज थे लोकसभा में, ऐसा क्यों रहा ये बताना है। किसके लीस्ट नंबर ऑफ एमपीज थे लोकसभा में वो बताना है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली सारे स्टेट्स में, और कौन सी पार्टी आपको लगता है गवर्नमेंट बनाएगी, इसका क्या कारण है। अब आप ये उस फोटो को देखिए, उससे आप जो है अपने आप को इसके सारे रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चंस को, और तब जो है उनके आंसर्स दीजिए। यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिए हैं 15th लोकसभा इलेक्शंस मई 2009 के, पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है और नंबर ऑफ एमपीज एक तरफ दिए गए हैं। इसमें आपको नेशनल पार्टीज दी गई हैं और स्टेट पार्टीज यानी जो रीजनल पार्टीज हैं वो दी गई है। एक बार चुने जाने के बाद ये जो कैंडिडेट्स हैं ज्यादातर मेंबर्स बन जाते हैं पार्लियामेंट के, या इन्हें कहते हैं एमपीज। एमपीज सारे मिलकर पार्लियामेंट बना। अगर एक बार इलेक्शन हो जाते हैं पार्लियामेंट के लिए तो अब पार्लियामेंट को क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है आपको एक नेशनल गवर्नमेंट को चुनना है। पार्लियामेंट जो इंडिया की होती है उसमें होते हैं आपके प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट तैयार करी जाती है कि कितने एमपीज बिलोंग करते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जिसको गवर्नमेंट बनानी है
उनके पास मेजोरिटी होनी चाहिए इलेक्टेड एमपीज की। अब क्योंकि 543 इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स के लिए लोकसभा में, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, तो मेजोरिटी होने के लिए पार्टी के पास एटलीस्ट आधे नंबर के मेंबर्स होने चाहिए या उससे ज्यादा, जैसे कि 272। ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट का है वो तब बनता है जब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि हिस्सा नहीं है मेजोरिटी पार्टी का वो, या कोएलिशन का, वो जब एक साथ इकट्ठी होती है तो बनता है ऑपोजिशन। लार्जेस्ट जो होती है सबसे इनके पार्टीज की, उसे कहते हैं ऑपोजिशन पार्टी। मतलब ऑपोजिशन में क्या है, जो गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट नहीं बना रहे पार्टी के साथ तो वो अलग बैठेंगे, ऑपोजिशन बैठेंगे। ऑपोजिशन में बहुत सारी पार्टीज आई है, उसमें भी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो मेन लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लोकसभा का है वो है अपने एग्जीक्यूटिव को चुनना। एग्जीक्यूटिव जैसा हमने चैप्टर वन में पढ़ा था, ग्रुप होता है पर्संस का जो साथ में काम करते हैं ताकि उन लॉज को लागू किया जा सके जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है। ये जो एग्जीक्यूटिव है जो हम सोचते हैं तभी इस्तेमाल किया जाता है वर्ड जब हम गवर्नमेंट टर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के लोकसभा के अंदर। एमपी से जो उनकी पार्टी को बिलोंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं उन मिनिस्टर्स को जो उनके साथ काम करेंगे ताकि जो भी डिसीजंस हैं उनको लागू किया जा सके। ये मिनिस्टर्स चार्ज लेते हैं अलग अलग एरियाज ऑफ गवर्नमेंट के जो कि फंक्शनिंग होती है, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, उन सबके ये लोग चार्ज लेते हैं। अब यहां आप देखिए ये जो टेबल है इसमें बताया गया है 15th लोकसभा इलेक्शंस 2009 के रिजल्ट्स को। इन इलेक्शंस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट्स मिली, पर इतनी नहीं थी कि वो एक मेजोरिटी पार्टी के तौर पे उभर के आ सके लोकसभा में, इसलिए उसने कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, जिसमें और भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इनकी अलायंस थी। कई बार जो रिसेंट पास्ट है उसमें हुआ है कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी हासिल करना जो कि जरूरी है गवर्नमेंट को बनाने के लिए, तब ऐसे में ये लोग और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ज्वाइन करते हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं सेम उन्हीं कंसर्ट्स को लेकर जिनकी कारण ये जो पार्टी है ये जीती है, ताकि ये लोग क्या होते हैं फिर जुड़ते हैं आपस में गवर्नमेंट को जो है बनाने के लिए, और तब ये कहलाती है कोलिएशन गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आपको दो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। ये जो दो बिल्डिंग्स हैं ये सेंट्रल सेक्रेटरिएट की हैं, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। इनको बनाया गया था 1930s में। जो फोटो लेफ्ट में है ये आपका साउथ ब्लॉक है जो कि हाउस करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। नॉर्थ ब्लॉक जो है ये आपका, ये फोटो है राइट पर और इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बाकी जो और मिनिस्ट्रीज है यूनियन गवर्नमेंट की वो और सारी बिल्डिंग्स जो न्यू दिल्ली के अंदर है उसमें स्थित। राज्यसभा फंक्शन करती है प्राइमरी रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया का पार्लियामेंट के अंदर। राज्यसभा इनिशिएट करती है लेजिस्लेशन को और बिल जो है जो कि पास करना है उसको राज्यसभा के थ्रू ही पास होना होगा, तभी वो जो है एक कानून बन पाएगा। ये बहुत जरूरी होता है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिव्यू करने में, चेंज करने में अगर जरूरी है जो भी लॉज इनिशिएट करी गई है लोकसभा के अंदर। मतलब अगर लोकसभा में कोई लॉ बनाया है तो पहले राज्यसभा में उसको रिव्यू किया जाएगा, उसमें चेंजेस किए जाएंगे अगर जरूरत है, तब जाके अगर वो पास करेगी तब वो कानून बनेगा। मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो इलेक्ट करे जाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स से लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो वेरियस स्टेट्स की होती है। इसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं प्लस 12 मेंबर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। फिर दूसरा फंक्शन आता है कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो सेशन में होती है तो उसका क्या होता है या उसकी जो शुरुआत होती है वो क्वेश्चन आवर से होती है। क्वेश्चन आवर क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जरिया है, प्रक्रिया है जिसके थ्रू एमपीज जो हैं वो इंफॉर्मेशन जो भी वर्किंग हो रही है गवर्नमेंट की उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है
उसके बारे में बताते हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जिससे पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव। सवाल जब पूछे जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट हो जाती है कि उसको जो है अगर बाई चांस उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं उसकी, जिसमें उसको लगता है कि खामियां हैं, या उसको लेके वो अलर्ट हो जाती है। दूसरा, अगर उसको ये भी पता चलता है कि लोगों की राय क्या है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसके थ्रू उसको ये पता चलता है पब्लिक क्या सोचती है, यानी कि जो एमपीज हैं। गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना एक बहुत ही क्रूशियल टास्क है हर एक एमपी के लिए। अपोजिशन पार्टीज अहम रोल प्ले करती हैं हेल्दी फंक्शनिंग में डेमोक्रेसी के। ये हाईलाइट करती हैं क्या ड्रॉबैक्स हैं, अलग अलग जो पॉलिसीज या प्रोग्राम गवर्नमेंट के बनाए जा रहे हैं उसके अंदर, और साथ ही साथ कराती हैं एक तरह से समर्थन, लोगों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करती हैं कि अपनी खुद की नीतियों के लिए। मतलब अगर हम ऑपोजिशन में हैं, हम लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट ने नीति बनाई है उसमें क्या कमी है, और अगर हमने ये नीति बनाई होती तो उसमें क्या अच्छाई होती। तो इससे वो जो है पब्लिक का एक तरह से अपने प्रति सपोर्ट लेने की भी कोशिश करती है। अब यहां पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उस क्वेश्चन का जो कि पार्लियामेंट में पूछा गया है, लोकसभा अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 48, आंसर जिसका दिया गया था 15/12/2017 को। यहां है कॉन्वर्ज ऑफ स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन, मनोज राजौरिया है, क्या जो मिनिस्टर है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो बताएंगी कि कौन के क्या जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कॉन्वर्ज करने के लिए अलग अलग स्कीम्स और पॉलिसीज को बच्चों के लिए कंट्री के अंदर, ऐसा है? अगर है तो उसके क्या डिटेल्स हैं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। कॉन्वर्ज का मतलब होता है एकाग्र करना, मतलब टू ब्रिंग इन वन लाइन। आंसर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा जो आंसर दिया गया ए टू सी, यानी कि उन्होंने इन तीनों के आंसर्स दिए हैं। मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बच्चों के लिए 2016 में, जिसमें मेनली वो जो है जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं या जो स्कीम्स हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्वर्जेंस के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए मिनिस्ट्रीज और डेवलप डिपार्टमेंट्स के बीच में, साथ ही साथ जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में। इसके अलावा वो एनकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कलेक्टिव एक्शन के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि वो जो हैं एड्रेस करें जो भी मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि चिल्ड्रन द्वारा एक्सपीरियंस किया जाए। मतलब आपको ये बताना है कि कौन कौन सी ऐसी एक तरह से असुरक्षित कहना चाहिए या परेशानियां कहना चाहिए जो बच्चों द्वारा अनुभव करी जा रही है। जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन है बच्चों के लिए 2016 में, उसको वो कैटेगराइज करता है चिल्ड्रन की राइट्स, जिसको मेन प्रायोरिटाइज किया गया है चार की एरियाज में, कौन कौन से? सर्वाइवल, हेल्थ और न्यूट्रिशन, दूसरा है एजुकेशन और डेवलपमेंट, तीसरा प्रोटेक्शन और चौथा पार्टिसिपेशन। ये आइडेंटिफाई करता है की प्रोग्राम, स्कीम्स और पॉलिसीज, साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स को कि वो जो है इनको लागू करें अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ, जो है इनको लागू किया जाए। तो ये जवाब जो है मिनिस्टर ने दिया, गवर्नमेंट जो है उसको एक वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है, और वो जो है जैसे कहना चाहिए ना बिल्कुल चौचित्त रहती है, खास तौर से उन क्वेश्चंस के द्वारा जो कि एमपीज द्वारा पूछे जाते हैं। इसके अलावा इन सारे मैटर्स में जो कि फाइनेंसिस से डील कर रहे हैं, पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। ये बहुत सारों में से एक तरीका है जिसमें पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट। जो एमपीज जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होते हैं लोगों के, उनका एक सेंट्रल रोल होता है, मुख्य रोल होता है कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करने में पार्लियामेंट को, और यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारी फंक्शनिंग का इंडियन डेमोक्रेसी। फिर आता है लास्ट और थर्ड फंक्शन, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग, कानून बनाना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप देखिए कौन कौन लोग होते हैं पार्लियामेंट के।
पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स के होते हैं। अब जैसे ज्यादातर गांव के मेंबर्स हो सकते हैं, या क्षेत्रीय पार्टीज जो हैं उनके मेंबर्स हो सकते हैं। ग्रुप्स और लोग जो हैं वो अभी तक जो अनरिप्रेजेंटेटिव थे, अब वो भी चुन चुन के पार्लियामेंट में आ रहे हैं। पॉलिटिकल तौर पे पार्टिसिपेशन अब बढ़ने लग गया है दलित और बैकवर्ड क्लासेस से। तो यहां पर आपको जो टेबल दी है उसमें आप देख सकते हैं कैसे परसेंटेज जो है पॉपुलेशन का जिन्होंने वोट किया लोकसभा इलेक्शंस में अलग अलग सालों में वो बताया गया। जैसे पहली लोकसभा 1951-52 में हुई थी, इसमें वोटर टर्नआउट था 61.16%। फिर धीमे धीमे करते करते यहां पर आप देख सकते हैं पहले और चौथे साल में सही रहा, फिर कम हो गया, डाउन हो गया, फिर थोड़ा सा अप हुआ, फिर और अप हुआ, फिर डाउन हो गया, फिर धीरे धीरे राइज किया इसने, यहाँ राइज किया, यहाँ राइज किया, और 17th लोकसभा तक आते आते जो वोटर टर्नआउट था वो 67.11% हो गया। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है हमारे समाज का, या दिखाती नहीं है। एक इसमें जो हमें रियलाइज करने वाली चीज है कि जब इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस हमें अलग करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि कम्युनिटीज जो ऐतिहासिक तौर पे अभी तक मार्जिन पोजीशन पर रही, मार्जिनलाइज थी, हाशिए पे थी, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ सीट्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व करी गई SCs और STs के लिए। ये इसलिए किया गया है ताकि जो MPs इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं वो भी फेमिलियर हो जाएं और दलित और आदिवासी इंटरेस्ट को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर पाए। इसी तरीके से ये भी बहुत सजेस्ट किया जा रहा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए सीट्स का विमेन के लिए। ये इशू अभी भी बहस का एक मुद्दा है। 60 साल पहले सिर्फ 4% MPs जो है वो विमेन थी, आज 11% से ज्यादा है। बहुत ही स्मॉल शेयर है। अगर आप इस फैक्ट को देखें, आधी पॉपुलेशन तो हमारी विमेन की है, लेकिन फिर भी सिर्फ 11% रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर। अगर इस तरीके के मुद्दे जो हैं जो मजबूर करते हैं कंट्री को कि वो जो है कुछ मुश्किल और अनसॉल्व क्वेश्चन जो हैं उनको पूछे कि क्या हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वाकई में रिप्रेजेंटेटिव है, उतनी जो होना चाहिए उतना पूरी हद तक रिप्रेजेंटेटिव है, हम ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, या हम एक तरह से वर्क कर रहे हैं उन आंसर्स के प्रति कि जो स्ट्रेंथ और फेथ हमारे लोगों के इंडिया के अंदर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। अब इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज का पोर्शन। ये करते हैं हम अपने एक्सरसाइज के वीडियो। आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए असा एजुकेशन।